गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो विषय है मेरी वो है बीएड सेकंड ईयर की, जो हमारा नवा पेपर है, लिंग, विद्यालय एवं समाज। इसके ये विषय में इसका मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। ये हमारी जो पेपर नवम है उसका टॉपिक है। साथ में सबसे सर्वप्रथम हम ये जो बुक है उसका थोड़ा सामान्य परिचय मैं देना चाहूंगी कि ये भी हमारी दो यूनिट की बुक है, जिसमें हमारा ये पेपर है वो 35 मार्क्स का होता है। दो यूनिट है जिसमें प्रथम यूनिट में जो है वो है हमारा जेंडर, यानी लिंग क्या है, लिंग की अर्थ, परिभाषा, उसकी अवधारणा, ये सब हमारी जो इसकी प्रथम यूनिट में है। और जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमारे नारी के अस्तित्व के बारे में, उनके लिए कौन कौन से कार्य किए गए, इस चीज में हमारी सेकेंड यूनिट में है। आज जो हमारी प्रथम यूनिट का टॉपिक है वो है हमारा लिंग या जेंडर, जो हमारी बुक का नाम है लिंग, समाज या विद्यालय। पहले भी बताया था मैंने कि जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय हमारी समाज की ही लघु इकाई होती है। तो इस बुक में हमें शिक्षा के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो हम लिंग भेद करते हैं, आखिरकार लिंग क्या है, लिंग का अर्थ, हम जो हमारी पूर्व हम धारणाएं बना के रखते हैं, या हम कहते हैं हमारे समाज में जो लिंग के प्रति जो धारणाएं हैं, जो हम कहते हैं कि जो हमारा पाषाण काल था, प्राचीन काल, इस चीज से हम देखेंगे कि क्या हमारे जो लिंग का, जो आज हम लिंग भेद करते हैं, ये क्या हमारे शुरू से ही चला आ रहा है। लेकिन ये हमारे प्राचीन काल से शुरू नहीं था, ये मैं आज बताना चाहती हूँ। क्योंकि आपने देखा है कि जहाँ प्राचीन काल में, पाषाण काल में औरतें अपने अपना बराबर का योगदान देती थी काम में, क्योंकि वो जो भी काम उनके जो परिवार के सदस्य करते थे उसमें वो बराबर अपनी भागीदारी देती थी। जो कृषि का अगर कार्य था तो कृषि करने में, औजार बनाने में या पशुपालन में, इन सब में हमारी स्त्रियों का बराबर का योगदान था। अर्थात पहले ये नहीं था कि जो हमारे औरत और पुरुष में और नारी में विभेद किया जाए। लेकिन जैसे ही हमारा जो मध्यम काल आया, जो किसी कारणों से, हमारे सामाजिक कारणों से ये विभेद शुरू हुआ, साथ में जो विदेशी हमारे देश में आकर रहने लगे, उनके कारण एक तरीके से हमारी जो स्त्रियां असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें एक घर तक सीमित किया गया, उन्हें कार्यों से दूर, बाहर के कार्यों से दूर रहा। लेकिन ये जो हमारे स्त्रियों की हमने सुरक्षा के लिए जो कार्य किया, ये आज के टाइम तक हमारे समाज में ऐसा परिवर्तन ला चुके थे या समाज की ऐसी सोच बना चुके थे कि वहां पर नारी और पुरुष दोनों में विभेद शुरू हो गया था। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पाषाण काल में ये नहीं था, लेकिन जो हमने विभेद शुरू किया वो सिर्फ और सिर्फ हमने जो हमारे मध्यम काल में हमारी स्त्रियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया, लेकिन ये बाद में आगे जाकर एक भेद का कारण बन गया। हम नारी और पुरुष, लड़का और लड़की दोनों में हम अंतर करने लगे। ये हमारे स्वतंत्रता के बाद से, हमारे जैसे स्वतंत्रता के बाद में हमारे फिर हमारे देश के लोग जागरूक हुए, तो उन्होंने जो हमारी स्त्रियां, नारियां, उनके कार्य के लिए जो विभेद है उसको खत्म करने के लिए अनेकों उन्होंने जो हमारी प्रथाएं थी उन्हें दूर करने की कोशिश की। हम मानते हैं जो हमारी पर्दा प्रथा ये क्यों शुरू हुई थी, क्योंकि उस वक्त जब विदेशियों ने हमारे देश में आक्रमण किया, उस आक्रमण से और हमारे देश की जो स्त्रियां थी उन पर जो उनकी गंदी नजर थी उसको बचाने के लिए स्त्री को एक पर्दा प्रथा का शुरू किया, जिससे कि वो उनका चेहरा ना देख सके और वह स्त्रियां सुरक्षित रहें। लेकिन ये जो हमारे पहले के जो स्त्री को सुरक्षा प्रदान करना था, वो आज के टाइम पे धीरे धीरे एक विभेद का कारण बन गया, दोनों में हम अंतर करने लगे। अब हमारे पास कई बार आते हैं, आखिरकार लिंग होता क्या है, तो हम देखते हैं कि लिंग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये हमारे जेंडर वर्ड का
जेंडर वर्ड का हिंदी रूपांतरण है। इसे हिंदी में हम कहते हैं लिंग। इसे हिंदी में हम कहते हैं लिंग। अब हम ये देखते हैं कि समाज जो हमारे जीवन में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और सुचारू रूप से जब हमारे कार्यों का स्थान, जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में, अपनी सामाजिक व्यवस्था के ज्ञाता है, जिनका पालन उसके सभी सदस्य किसको करना होता है, पुरुष को। हमने देखा है कि हमारे समाज में आज के टाइम पे ये माना जाता है कि पुरुष को सारी शक्तियां संपन्न है। वो कार्य करने, जो भी हमारे घर के कार्य है या हमारे समाज के कार्य है, वो उनको वो शक्ति प्रदान है कि वो सुचारू रूप से वही उस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा हमारे समाज की सोच बन गई। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के जैसे हमारे कई देशों में ऐसा है कि आज भी देश पुरुष प्रधान है, आज हमारे भारत में भी वही है कि हमारा भारत देश भी उनमें से एक में से आता है कि ये भी हमारा पुरुष प्रधान है, यानी कि पुरुष को अहमियत ज्यादा दी जाती है कि अगर बाहर का काम है तो उसे स्त्री ना करके पुरुष कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे स्त्री भी पुरुष के बराबर अपना योगदान देते हैं। इसी विभेद को दूर करने के लिए, इसे हमारे शिक्षा के माध्यम से इसमें परिवर्तन लाने के लिए इसे बनाया गया कि किस तरीके से हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन जो है वो परिवर्तन हमेशा शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। अगर हम कहें कि शिक्षा के माध्यम से हम जागरूकता ला सकते हैं तो इसका पालन उसके स्थायी जो भी सदस्य करते हैं। हम मानते हैं कि पुरुष को हमारे देश में सबसे सदस्यों का, मैं अगर हमारे परिवार के सदस्यों में सबसे ज्यादा अहमियत पुरुष को दी जाती है। हम देखते हैं हमारे परिवार में वही कार्य होता है जो एक पुरुष, लेकिन ये हमारी सोच, इस सोच को बदलने के लिए, इस सोच को हमें बदलना है कि हमें ये जरूरी नहीं है, कहते ना कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकल जाता है तो क्या गाड़ी चल सकती है, नहीं चल सकती। इसीलिए पुरुष और स्त्री दोनों को अपनी एक गाड़ी के दो पहिए मानकर उसे कार्य करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के जो अधिकार प्राप्त है। वही दूसरी हम देखते हैं कि स्त्रियां जो प्राय सभी प्रकार की शक्तियां और अधिकारों से वंचित रहती हैं। ये हमारे लिंग विभेद का कारण हो गया हमारे समाज में कि किस तरह से लिंग विभेद ने पुरुष को एक शक्ति प्रदान की और स्त्री को क्या कर दिया, शक्तिहीन बना दिया। ये हमारे लिंग का, अब लिंग का अर्थ मैंने बताया कि लिंग का अर्थ होता है जेंडर। जो जेंडर वर्ड हमारा इंग्लिश का है उसको हमने हिंदी में इसका रूपांतरण कर दिया है किस तरीके से, लिंग से। अब इसका अर्थ हम देखेंगे तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, व्याकरणिक अर्थ में और जीव विज्ञान के अर्थ में। हम व्याकरणिक अर्थ में देखें तो जो हमारा लिंग है उसको दो भागों में इसका विभाजन किया है, लिंग विभाजन किया हमारे, इसका लिंग विभाजन जो कर दिया गया इसे हमने देखा है कि आज जो हमारे लिंग विभाजन में तीन भागों में विभाजन किया है, जिसे हम कहें स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग लिंग और थर्ड है हमारा जिसे हम उभयलिंग भी कह सकते हैं, नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं। हम इंग्लिश में कहें तो इसे हम थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं। ये हमारे तीन लिंग का जो विभाजन किया गया, यानी कि स्त्री जो लड़की, पुल्लिंग लड़का और नपुंसक लिंग जो हम इसको उभयलिंग, जो ये दोनों ना हो के जो थर्ड पर्सन है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस तरीके से व्याकरणिक तौर पर हमने इस तरीके से इनका विभाजन किया गया कि स्त्री लिंग, पुल्लिंग लिंग और नपुंसक लिंग। और अगर हम जीव विज्ञान के आधार पर देखें, जीव विज्ञान के आधार पर हम देखें तो पुरुष और स्त्री, हमने देखा है कि जो पुरुष के जो जीन होते हैं वो क्या होता है, एक्स वाई, और स्त्री का क्या होता है, एक्स एक्स। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जब एक्स वाई और एक्स मिलते हैं तो क्या बना, एक्स वाई, इससे क्या होगा,
पुल्लिंग, और जब एक्स एक्स मिलकर क्या होगा? स्त्रीलिंग। इस तरीके से जीव विज्ञान ने देखा है कि कई बार हमने इस चीज का जो हमारे साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिकों ने माना है कि ये जो हमारे जीन होते हैं एक्स एक्स मिलकर लड़की की उत्पत्ति होती है और एक्स वाई किसकी होती है? पुरुष की। तो ये उन्होंने जीव विज्ञान के आधार पर इसकी परिभाषा दी है कि इस तरीके से इन्होंने समझाया है कि ये होता है लिंग, यानी कि एक्स वाई मिलकर पुरुष और एक्स एक्स मिलकर स्त्री। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी भाषा में उसे समझाने की कोशिश की है कि ये होता है लिंग का अर्थ। ये मैंने आपको व्याकरणिक तौर पर दोनों का बताया है। पहला था हमारा जो मैंने बताया समास, जो हमारा व्याकरणिक अर्थ था कि लिंग को दो भागों में इसका विभाजन किया, तीन भागों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और नपुंसक लिंग। जीव विज्ञान पर देखा हमने किसको किस तरीके से जीनों के माध्यम से जो हमारा आंशिक किस तरीके से उन्होंने बताया था। आपने देखा है कि पहले जो हमारे मेंढक थे उन्होंने भी एक मटर के ऊपर इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के दानों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे साबित हुआ था कि किस तरीके से जीनों में परिवर्तन आता है, किस तरीके से एक्स वाई मिलकर क्या बनाते हैं और एक्स एक्स मिलकर क्या। तो ये जीव विज्ञान की हमारी देन थी। इस आधार पर बताया गया कि किस तरह से लिंग जो मिलता जुलता शब्द है। अब हम तीसरा शब्द इसमें लेते हैं लैंगिकता, जिसे हम कहते हैं कि ये लिंग से मिलता जुलता हुआ शब्द होता है, लिंग से मिलता जुलता शब्द होता है। लेकिन इसमें कहते हैं कि ये जो मनुष्य का एक लोभ होता है, कहते हैं ना मनुष्य के अंदर काम क्रोध और लोभ, इन तीनों का वास होता है। जो काम शब्द हमारा आता है वो हमारी लैंगिकता से जुड़ा हुआ होता है, लैंगिकता से जुड़ा हुआ वर्ड है हमारा काम। इसके लिए कहते हैं कि लैंगिकता एक स्त्री और पुरुष की जो हमारी कामजनित भावनाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो क्रियाकलापें होती हैं वो संपन्न होता है, जिससे हम कहें कि हमारा समाज आगे बढ़ता है, हम ये जो हमारा परिवार आगे बढ़ता है, ये हमारी एक लैंगिकता का शब्द है कि लैंगिकता हमारा काम होता है। अब इसमें मैंने आपको बताई कि ये जो लिंग है उसकी परिभाषाएं भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस किसने कौन कौन सी हमारी परिभाषाएं दी। तो वेस्ट और जिनमें मैंने लिखी है कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्क संगत साधन है। ये की है हमारी किसने? वैश्वा झुमरे मैम ने। इन्होंने कहा है कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। हमने कहा ना कि हमने एक तरीके से इसके लिए कहा जाता है कि जो हमने लिंग शब्द दिया है ये शब्द है क्या, ये हमारी जो समाज की खुद की देन है, हमने किस तरीके से पुरुष को शक्तिवान बनाकर उसको पुरुषत्व का नाम दे दिया और स्त्री को कहते हैं कि स्त्री एक हमारी दया और करुणा और सहनशील के गुण होते हैं, तो उन्हें वैसा ही बना दिया, उसे हमने जो अधिकार पुरुष को दिया वो अधिकार हमने स्त्री को, स्त्री को हमने क्या समझा? कमजोर समझा। इसीलिए एक तरीके से ये हमारी कोई हमें कहते हैं कि हमने ईश्वर ने नहीं, ये हमारे समाज ने इसका विभाजन कर दिया स्त्री और पुरुष के तौर पर, हमारे जो लिंग का विभाजन कर दिया कि किस तरीके से हमारे इस जो स्त्री के अंदर जो गुण होते हैं उसके आधार पर उन्होंने स्त्री का विभाजन किया और पुरुष का जो होता है जो पुरुष का पुरुष। अब इसमें यही कह रही लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण, यानी कि समाज परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि हम किस तरह से इसका विभाजन कर सकते हैं एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्क संगत साधन बन गया ये लिंग, कि किस तरीके से उन्होंने तर्क दे दिया कि वो क्यों क्या क्या तर्क दिया उन्होंने, तर्क यही दिया कि पुरुष शक्तिशाली है इसीलिए हमने उसको सारी सत्ता दे दी, यानी कि कहेंगे अधिकार सारे। अब इसका तर्क भी हमारे साथ में चला कि तर्क इसलिए प्रस्तुत किया इन्होंने कि जो हमारी सुरक्षा है वो पुरुष कर सकते हैं, हम ये कहें कि एक सिंपल उदाहरण लें कि अगर कमाने का काम कर सकते हैं बाहर जाकर तो पुरुष कर सकते हैं, लेकिन
क्या ये नियति तौर पर ये बिल्कुल सही है? नहीं, ये तर्क हमारे समाज ने प्रस्तुत किए हैं कि स्त्री केवल घर में रहकर काम कर सकती है और पुरुष हमारे जो अर्निंग आजीविका होती है वो हमारा धन अर्जन का काम कर सकते हैं पुरुष। सेकंड है हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा लिखी कि लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक संरचित भूमिकाओं व्यवहारों गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। जो लिंग है उसे इन्होंने एक हमारी व्यवस्था माना है कि जो हमारे समाज की जो संरचना है उसकी भूमिका की भूमिका में जो हम व्यवस्थाएं करते हैं, जो गतिविधियां संपन्न होती हैं, यानी कि कार्य संपन्न होते हैं, उनके लिए समाज में एक उपयुक्त व्यवस्था है। किसके आधार पर? हमारे लिंग के आधार पर। इसीलिए उस कार्य की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने इसका विभाजन, लिंग का विभाजन किया। जबकि लैंगिकता जो मैंने आपको बताया कि काम यानी लैंगिकता इससे संबंधित जैविक प्रकार अनुभाविक रूप से अभिप्रेरित, यानी कि ये क्या करती है, ये हर एक जैविक प्रक्रिया होती है जो मैंने आपको यहाँ समझाई कि किस तरीके से कहते ना कि स्त्री हमारे परिवार को किस तरीके से स्त्री और पुरुष परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वो जैविक प्रक्रिया का ये एक अनुभविक अभिक्रमित है कि किस तरीके से क्रमबद्ध वो आगे बढ़ता है। तो हमने दोनों चीजों की बताई है यहाँ पर, इसकी लिंक की बताई इन्होंने और साथ में जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन है इन्होंने लैंगिकता का भी समझाया है कि जो ये लैंगिकता है ये हमारे जैविक कार्य को अनुभविक रूप से अभिक्रमित करती है। ये इन्होंने लिंग की परिभाषा समझाई और लैंगिकता का अर्थ बताया। अब हम देखें कि जब हमारे स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैंने बताया कि गाड़ी के दो पहिए हैं, जो अगर एक पहिया हमारा हट जाए गाड़ी से निकल जाए तो क्या गाड़ी आगे चल सकती है? नहीं। इसीलिए बताया कि लिंगीय भेदभाव हमारे अस्तित्व में आने के जो कारण रहे, हमारे जो कारण रहे कि कौन कौन से हमारे कारण रहे जिनके कारण ये लिंगीय विभेद उत्पन्न हुआ, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसके पीछे हमारे क्या क्या कारण रहे हैं, लिंग विभेद के हमारे कौन कौन से हमारे कारण रहे, लिंग विभेद के कारण कौन कौन से हमारे लिंग विभेद के कारण रहे। सर्वप्रथम हम देखेंगे, सबसे पहला है हमारा सामाजिक कारण। क्योंकि मनुष्य रहता कहाँ है? समाज में। तो समाज हमें ऐसी आवश्यकता, जो मैंने अभी बताया कि समाज ये ऊपर डेफिनेशन में भी है कि सामाजिक संरचित जो भूमिकाएं और व्यवहार होती है, यानी कि समाज हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे कि हम लिंग विभेद करने में कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहला हमारा सामाजिक कारण होता है, समाज में हमारी व्याप्त बुराइयां हमारा कारण बन जाती है, किस तरीके से हमें उन बुराइयों को दूर करना है, यानी कि सर्वप्रथम हमारे जो सामाजिक कारण होते हैं समाज में रहने के लिए। अब समाज में रहने के लिए हमारे सभी कारण है, एक तो हमारे परिवार को सुरक्षा रखना, साथ में हमारी जो हमारी आवश्यकताएं होती है समाज में वो हमारी आवश्यकताएं कौन कौन सी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें पुरुष पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो यही चीज बताइए कि समाज ने ही हमारे पुरुष और स्त्री का विभेद किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पुरुष ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा सामाजिक कारण है, जो समाज के कारण हमारे उत्पन्न होते हैं ये हमारे लिंग विभेद का कारण बने। सेकंड है, आपने देखा है कि पहले हमारे जो समाज में कितनी सारी हमारी बुराइयां व्याप्त थी, उन बुराइयों को हमें दूर करने के लिए किस तरीके से हमें कार्य करने पड़े, तो हमारा जो लिंग विभेद का सर्वप्रथम हम कारण देखेंगे तो वो है हमारा सामाजिक कारण। सेकंड है हमारा, जो सेकंड कारण है हमारा वो है हमारा हमारे सांस्कृतिक कारण। कौन कौन से? जो हमारी पर्दा प्रथा है, हमारा बाल विवाह है, ये सब जो हमारे सांस्कृतिक कारण है, पर्दा, बाल विवाह, दहेज, ये सब चीजें
कभी पुरुष पर हमारे साथ पुरुष पर्दा करके चले, लेकिन ये कारण किस पर थोपा गया? ये जो हमारा जो लिया गया वो किस पर है? ओनली स्त्री पर। तो ये सांस्कृतिक कारण जो हमारे बने, अब चाहे हमारी जो पर्दा प्रथा उस समय जो पाषाण काल में हमारी पर्दा प्रथा स्टार्ट हुई, वो पर्दा प्रथा हमारी नारी की सुरक्षा के लिए शुरू हुई, लेकिन आज हमारे जब मध्य काल से हम आगे आते गए तो उसे हमारे लिए एक लागू कर दी गई कि स्त्री अगर पर्दे में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। यानी कि ये हमारे कारण बन गए, हमारा बाल विवाह ये भी हमारे सांस्कृतिक कारण है कि जब स्त्री सुरक्षित नहीं थी, लड़की सुरक्षित नहीं थी, तो क्या हुआ, उनका बाल विवाह करना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारे जो छोटे छोटे कारण है, इन कारणों से हमारे लिंग विभेद बढ़ता चला गया कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ावा देते चले गए। फिर है हमारा इसका थर्ड शैक्षिक कारण, शैक्षिक कारण। हमने देखा कि पहले प्राचीन समय में उतने शिक्षित व्यक्ति नहीं थे जितने आज के टाइम, यानी शिक्षा की कमी के कारण हमारा लिंग विभेद बढ़ा। अगर हम शिक्षित होते तो हमारा क्या होता, हम उस चीज को समझते। अगर कहते ना कि एक शिक्षित व्यक्ति क्या होती है, एक सभ्य समाज की स्थापना करते हैं, तो उसी के लिए। और दूसरा हम कहें कि शिक्षित व्यक्ति हमारे क्या करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो वही चीज रहा कि जो हमारे शिक्षा की कमी रही उसके कारण हमने क्या किया, लिंग विभेद को बढ़ावा दे दिया। और लिंग विभेद बढ़ने का कारण बना हमारा, अब जो हम अशिक्षित थे, अशिक्षित हमारा सबसे बड़ा कारण बने। अगर हम समझदार होते, हम शिक्षित होते, तो ये हमारा कारण नहीं बन पाते। फिर है हमारा इसमें फिर आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। पहले प्राचीन समय में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हमारे कृषि पालन पर आश्रित थे, तो क्या था, वो उतना पैसा नहीं कमा पाते थे। ये आर्थिक कारण, और आर्थिक कारण के कारण हमारे जो पुरुष और स्त्रियों में विभेद शुरू हुआ कि वो पुरुष घर से बाहर जाकर कमा के लाने लगे और स्त्री कहाँ, कहते ना पहले सिर्फ और सिर्फ हम घर में रहकर कृषि करना, पशुपालन करना, तो उसमें तो स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के सहभागी थे। लेकिन जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी और हमारे पर जो हमारा आर्थिक संकट गड़बड़ाने लगा, तो पुरुष जब घर से बाहर जाकर कमाने लगे तो वहाँ स्त्री की क्या हो गई, अहमियत कम होने लगी और पुरुष की अहमियत बढ़ने लगी। तो ये आर्थिक कारण भी हमारा लिंग विभेद का कारण बने। इसके बाद में है हमारा लिंग विभेद का हमारा धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, धर्म से संबंधित। यानी कि हमारे धार्मिक जो हमारे पुरुष ने या कहें हमारे समाज ने इसे एक धार्मिक कारण नहीं, किस तरीके से स्त्री और पुरुष में विभाजन किया जाता है, ये भी हमारा एक धार्मिक कारण के कारण इस लिंग विभेद को बढ़ावा दिया। फिर था हमारा राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण जो हमारी राजनीति में है। कहते हैं कि कई बार हमारे जो हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो राजनीति कारणों से बढ़ती है। कई बार हमारे राजनीति में जो लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के कारण इसे बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, तो वही हमारे राजनीतिक कारण। अब ये थर्ड है, लास्ट है हमारा शारीरिक कारण में हमने देखा है कि ये हमारा एक कहते ना हमारी एक मानसिकता है कि पुरुष स्त्री से बलवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं। तो ये हमारा एक शारीरिक जो हमारा कहते हैं हमारे शरीर के स्ट्रक्चर, उसके कारण भी हमारा लिंग विभेद आया। ये माना जाने लगा कि जो पुरुष होते हैं उनमें स्त्री से ज्यादा ताकत होती है, वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और साथ में स्त्री कैसी होती है, कमजोर होती है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। तो यही शारीरिक कारण भी हमारा लिंग विभेद का कारण बना। तो बच्चों आज जो मेरा था टॉपिक वो था हमारा लिंग क्या है, लिंग के अर्थ के बारे में मैंने बताया, और हमारे जो इसकी डेफिनेशन है कि किन किन ने हमारी क्या डेफिनेशन दी वो मैंने बताया आपको, साथ में मैंने थोड़ा सा लैंगिकता का अर्थ आपको बताया, और आप
लिंग विभेद का कारण मैंने बताया कि हमारे लिंग विभेद के कारण कौन कौन से रहे, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, हमारे शैक्षिक कारण और आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और शारीरिक कारण, ये हमारे इसके लिंग विभेद का हमारा कारण बने। इस लिंग विभेद के कारण जो हमारे देश में जो व्यवस्था, जो कहते हैं ना कि एक स्थापना की गई, वो कल की गई थी हमारे पितृसत्तात्मकता की। एक पितृसत्तात्मकता के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।